करमचंद ने माइकल पर निशाना लगाकर उस पर गोली चला दी। गोली सीधा जाकर माइकल के दाहिने पैर के घुटने पर लगी। उसे गोली लगते ही बाकी के सारे सिपाहियों ने करमचंद पर बंदूक तान दी। तभी दर्द से कहराते हुए माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, Kill him! Kill this bloody traitor now! ये सुनकर जैसे ही उसके सिपाहियों ने राइफल की ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि अचानक से जोरों से शेर की दहाड़ने की आवाज आई। शेर की दहाड़ सुनकर सारे लोग स्तब्ध हो गए। माइकल और उसके भूत प्रेत सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले अचानक से कहीं से एक बड़ा शेर छलांग लगाते हुए उनके सामने आ गया। उसके ऊपर तीन लोग बैठे हुए थे, कपाली, कपालिका और सुजान। सुजान को देखते ही करमचंद की आंखें चमक उठी। शेर की दहाड़ सुनकर कजरी भी अपने तंबू से बाहर आई और अपने बेटे सुजान को उस पर बैठे हुए देख उससे रहा नहीं गया और वो जोरों से चिल्लाई, मेरा बेटा आ गया, मेरा सुजान। माइकल ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। कपाली ने सुजान से पूछा, क्या ये वही अंग्रेज है? सुजान ने अपना सर हिलाकर हां कह दिया। माइकल ने गुस्से में उनके सामने अपनी बंदूक तानी। कपाली ने तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक डंडा माइकल के हाथ में मारा और माइकल के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। माइकल ने अपने सैनिकों से चिल्लाते हुए कहा, मार डालो इन्हें, किल देम। तभी इसके सैनिकों ने तुरंत ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां उन तक पहुंचे उससे पहले कपालिका ने हवा में ही उनकी गोलियों को फूलों में बदल दिया, इसलिए उन पर गोलियों के बदले फूल बरसने लगे। ये देखकर माइकल बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके कपाली और कपालिका और सुजान को रस्सी से बांध दिया। माइकल ने उन्हें रस्सी से बांधकर उन्हें खींचकर शेर के ऊपर से नीचे गिरा दिया। माइकल ने अपनी राइफल उठाई और उनके सामने तान कर उनसे कहा, मुझसे चालाकी कोई कर नहीं सकता। माइकल जैसे ही अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने गया उस शेर ने माइकल पर वार किया। माइकल ने तुरंत ही अपनी बंदूक उस शेर के ऊपर तानी और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी जाकर उस शेर के छाती पर लगी और वो शेर वहीं पर घायल होकर गिर गया। अपने शेर को घायल होते हुए देख कपालिका को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मायावी शक्ति से तीनों को बंधन मुक्त करवा दिया। कपालिका ने तुरंत ही अपनी मायावी शक्ति से माइकल को हवा में उछाला और नीचे गिरा दिया। करमचंद ये सब देख रहा था और मौका पाते ही उसने अपने जिंदा सैनिकों से कहा, यही मौका है अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का, यही समय है विद्रोह करने का। ये कहकर करमचंद ने भूत प्रेतों की सेना पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में जिंदा सैनिकों ने भी उन भूत प्रेतों की सेना पर आक्रमण कर दिया। वहां पर भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन भूत प्रेत की सेना को गोली लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि जिंदा सैनिक गोली खाते ही मर जाने लगे। उस तरफ कपालिका माइकल को उठाकर जमीन पर पटकने लगी। माइकल ने भी अपनी मायावी शक्ति से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कपालिका पर जोरों से प्रहार किया। वो बड़ा पत्थर कपालिका को पड़ते ही कपालिका बेहोश हो गई। अपनी पत्नी को इस तरह घायल होते हुए देख कपाली एकदम क्रोधित हो गया और उसने जोरों से हवा में मुक्का मारा और उसके प्रभाव से माइकल और सारी सेना हवा में उछलकर पीछे गिर गए। कपाली ने अपनी पत्नी कपालिका को उठाकर बगल में बिठा दिया और सुजान से पानी लाने को कहा। सुजान तुरंत ही पानी लेने को दौड़ा। तब तक माइकल फिर से उठा और उसने अपनी मायावी शक्ति से अपने हाथ में एक बंदूक प्रकट की और कपाली पर निशाना साधते हुए अपना ट्रिगर दबा नहीं जा रहा था कि करमचंद ने दौड़ते हुए माइकल को धक्का दे दिया। माइकल बाजू में जाकर गिर गया। माइकल ने गुस्से में करमचंद की ओर देखा और कहा, यू ब्लडी ट्रेटर, तुम सभी इंडियन लोग धोखेबाज होते हो, तुम में से किसी पर ट्रस्ट करना मेरा भूल था। ये कहते हुए माइकल ने अपनी मायावी शक्ति से करमचंद को ऊपर हवा में उछाला और जोरों से कहीं दूर फेंक दिया। करमचंद उड़ता हुआ जाकर एक पेड़ से टकराया और नीचे गिर गया। पेड़ से टकराने की वजह से उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वो अब फिर से उठने या चलने लायक नहीं बचा था। दर्द के मारे वो जोरों से चिल्लाने लगा। सुजान पानी लेकर कपाली के पास जा ही रहा था कि
माइकल ने सुजान के पैर पर गोली चला दी। सुजान गिर गया और दर्द से कहराने लगा। ये देखकर कजरी चिल्लाते हुए सुजान की तरफ दौड़ी। माइकल ने कजरी को देखा और कहा, बॉयस, योर मम्मा नीड्स यू। तुम्हारी माँ को सही जगह पर पहुंचा दो। ये सुनकर 180 सैनिक जिनको कजरी ने पैदा किया था वो तुरंत ही कजरी की ओर दौड़े और कजरी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कजरी को धीरे धीरे नोचना शुरू किया। कजरी दर्द से चिल्लाने लगी। उसने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है। मेरी छाती से मेरी ऊर्जा चूसकर तुम्हें शक्ति मिली है और तुम मेरी ही जान लेने पर तुले हो। लेकिन वो 180 सिपाही इंसान नहीं थे और ना ही उनके पास दिल था। कजरी को नोचते रहे। कजरी थोड़ी देर में लहू लुहान हो गई। सुजान अपनी माँ को देखकर चिल्लाने लगा था लेकिन उसके भी पैरों में गोली लगने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय कपाली ने अपनी मायावी शक्ति से लोखंड के पिंजरे का निर्माण किया और माइकल को उस पिंजरे में कैद कर लिया। पर कजरी को मार रहे सिपाहियों को तो अपनी शक्ति से ऊपर आसमान में उड़ाकर वहीं पर टांग दिया। कजरी भी घायल होकर नीचे गिर पड़ी थी। सुजान रेंगते हुए कजरी के पास आया और उसे संभालने लगा। माइकल ने पिंजरे के अंदर से अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन वो पिंजरा भी मायावी था, इसलिए माइकल की शक्ति उस पिंजरे के बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में कपालिका को भी होश आ गया। कपालिका उठकर अपने प्रिय शेर के पास गई। वो शेर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। गोली सीधे उसके सीने में लगी थी इसलिए उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कपालिका ने शेर के सर पर अपना हाथ फिराया। कुछ ही देर में शेर ने अपने प्राण त्याग दिए। कपालिका को इसका बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। अपने प्रिय मित्र की मौत से कपालिका इतनी ज्यादा कुपित हुई कि उसने माइकल को पिंजरे समेत ऊपर हवा में उछाला और नीचे जमीन पर पछाड़ा। फिर गुस्से में वो पिंजरे की तरफ आई। उसने वो पिंजरा अपने हाथों से तोड़ा और माइकल को कॉलर से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। माइकल कुछ कर पाता उससे पहले कपालिका ने माइकल को उठाया और जोर उसे घुमाया और दूर फेंक दिया। फिर कपालिका ने एक शस्त्र प्रकट किया और माइकल को मारने गई ही थी कि कपाली ने उसे रोक लिया। कपाली ने उसे कहा, शांत हो जाओ, इसे मारना हमारा ध्येय नहीं है। ये मायावी को मार डालेंगे तो ये और भी भयानक पिशाच बनकर लौट आएगा, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। कपालिका अपने पति की ये बात सुनकर शांत हुई। उसने कहा, ठीक है, इसे मार नहीं सकते तो उसे मौत से भी ज्यादा भयानक सजा मिलेगी। ये इसकी भूत और प्रेतों की सेना के साथ इस पृथ्वी के नीचे और नर्क के ऊपर सदियों के लिए सुषुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। ये कहकर कपालिका ने कपाली का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलाकर अपनी मायावी शक्ति से माइकल और उसकी सेना को खिलौने के लकड़ी के सिपाही बना दिए और उसे जमीन के अंदर दफना दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से कजरी और सुजान को उठाकर एक जगह पर लिटा दिया। दूसरे जिंदा सैनिक कजरी और सुजान के पास आ गए। कुछ सैनिक दूर पड़े करमचंद के पास गए। करमचंद की रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वो अधमरा हो चुका था। उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। करमचंद अब अधिक समय का मेहमान नहीं था। उसने सिर्फ इतना पूछा, परिणाम क्या हुआ? एक सैनिक ने उससे कहा, उनकी हार हुई और हमारी जीत हुई। ये सुनते ही करमचंद के मुंह से निकला, भारत माता की जय। और इसी वक्त उसने अपने प्राण त्याग दिए। सैनिकों को उसके मरने का बहुत शोक हुआ। उस तरफ कपाली और कपालिका ने कजरी और सुजान से कहा, कुछ समय के लिए तो हमने इस मुसीबत को टाल दिया है लेकिन यह माया सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक हम दोनों जीवित हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में हम दोनों की मृत्यु हो गई तो वो माया भी टूट जाएगी और माइकल अपनी सेना के साथ फिर से जागृत हो जाएगा और फिर अपनी मायावी शक्ति से अपनी सेना को लेकर वीरानगढ़ पर आक्रमण करेगा। लेकिन कजरी ने उससे पूछा, लेकिन क्या? कपालिका ने कहा, आप सब इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए गांव नहीं जा सकते और अगर आप कहीं पर जाने का प्रयत्न करते हैं तो आपको कुछ ही घंटों में दोबारा लौटना पड़ेगा क्योंकि उस मायावी माइकल ने
आप सबकी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया है। आप सब जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक माकल की मौत नहीं हो जाती, आपकी उम्र भी उतनी ही रहेगी। और यदि आपने इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश की, तो आत्मा को शैतानी शक्ति अपने वश में कर लेगी और सदा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। कपाली ने सुजान से कहा, हम जा रहे हैं दोबारा उसी गुफा की ओर जहां तुमने हमें पहली बार देखा था। हमारी शक्तियां कमजोर हो गई, हमें उसे फिर से जगाने के लिए तपस्या करने जाना होगा। कभी भी तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े, हमें याद करना, हम तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये कहकर दोनों ने सुजान और कजरी को आशीर्वाद दिया और फिर कपालिका ने अपनी मायावी शक्ति से अपने शेर को अग्निदाह दिया और वहां से निकल गए। ये कहानी कहते हुए कजरी ने सिद्धार्थ से कहा, और तब से लेकर अब तक 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, हम यहीं पर इस जंगल में अटके पड़े हैं। कुछ सालों तक मैं उस मदन प्रेत के चुंगल में फंसी थी जिसे तुमने आजाद किया, लेकिन ये लोग और मेरा बेटा यहीं पर अटके पड़े हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन इस सब का अभी के वीरानगढ़ के साथ क्या लेना देना? तब कजरी ने कहा, हमें अभी कुछ समय पहले पता चला है कि उस कपाली और उसकी पत्नी कपालिका की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए और वो उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त वीरानगढ़ में एक किसान को अपना हल चलाते हुए जमीन के अंदर से लकड़ी के छोटे छोटे सैनिक के खिलौने मिले। उसने वहां खिलौने अपने हाथ में उठाया और कहा, वाह, ये देखकर तो बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या माइकल अपनी सेना के साथ दोबारा जागृत होने वाला था? क्या लिखा था वीरानगढ़ के नसीब में? किस तरह जुड़ी हुई थी ये कहानी बूढ़े बाबा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।